आज मैं आपको लेकर आगे कोल्हापुर के सबसे पुराने पावाजी की दुकान में, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा इनकी महाराष्ट्र स्टाइल पावाजी कैसे बनाई जाती है और इनकी पावाजी कोल्हापुर में नंबर वन मानी जाती है। तो चलिए आपको इनकी चटपटी पावाजी की पूरी मेकिंग दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पे प्याज की कटिंग चल रही है, तो भैया अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्रांत, विक्रांत भागवत। कितना टाइम होगा दुकान को? 22 साल हो गए। 22 साल हाँ, छोटा था 13-14 साल का, तब से मैं देख रहा हूँ। अब इसके बाद टमाटर आएगा। ये जो चीजें हैं कच्ची ही रहती है, इसके वजह से इनको सबसे पहले फ्राई करके हम तवे पे पकाते हैं और उसके बाद इसमें आलू और ग्रीन पीस डाले। पुराने लोग आते तो बोलते कि सेम टेस्ट मिलता है जैसे आपके पिता दिखा। हमारे यहाँ पे जो कस्टमर है वो बेस इतना बड़ा है कि उनके पिताजी, उनके लड़के और उनके पोते भी अभी तक हमारे पास ही खाना। आज अभी हमारे यहाँ पे 60 रुपए और 70 रुपए पाव भाजी है। दो क्वांटिटी रहती है, एक हाफ प्लेट आएगी 150 ग्राम तक भाजी आती है और जो फुल प्लेट आती है उसमें 220 ग्राम भाजी आती है। जब हमने स्टार्ट किया था तब मैं हाफ प्लेट 10 रुपए को बेचता था और फुल प्लेट 12 रुपए को। अभी इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा, ये अदरक लहसुन की पेस्ट रहती है, इसमें थोड़ा कश्मीरी मिर्ची भी डाला रहता है जिसकी वजह से थोड़ा नेचुरल कलर आता है। हम कलर बिल्कुल यूज़ नहीं करते, जो खुद है वो सब नेचुरल आता है। ये कश्मीरी मिर्च की पेस्ट, इससे नेचुरल कलर आएगा और स्वाद भी बढ़ेगा। हमारे मसाले वगैरह सब होममेड है, हम सर्विस बढ़िया देने का ट्राई करते हैं, टेस्ट और क्वालिटी भी बढ़िया और बहुत साल हो गए की वजह से एक कस्टमर के साथ रिलेशन और एक बॉन्डिंग हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट आपने प्याज, नींबू और ब्रेड मसाला बटर में फ्राई करके, हमारे यहाँ पे अमूल का बटर यूज होता है। तो भाजी में रेडी चुकी है, यहाँ पे पाव लगा जाएगा। तो एक प्लेट में कितने पाव रहते हैं? प्लेट में 2 ही पाव आते हैं, साथ में 2 पाव आते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, दोपहर 2 बजने के बाद चालू होता है, 10:30 बजने के बाद बंद हो जाता है। हमारे यहाँ पे प्लेट लगाया जा रहा है, इसमें क्या क्या रहता है? ये आ गई हमारी भाजी, बटर, धनिया, प्याज, नींबू, सब चीज़ रहेगी और साथ में 2 पाव बटर में टेके हुए। तो ये इनकी पावाजी बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे पावाजी लगाई है, एकदम बटर डाल के, ऊपर से धनिया डाल के और काफी सारे से मसाले डाले गए हैं। आप कलर देख सकते हो, एकदम नेचुरल कलर है इनका, कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला जाता इसमें। और साथ ही साथ ये है इनका पाव जो कि अच्छे से मसाले और बटर में सेका जाता है। साथ में आपको मिल जाएगा प्याज और नींबू। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पे प्याज डाल दिया जाएगा और हल्का सा नींबू ताकि टेस्ट इसका बढ़िया है। तो बटर को अच्छे से मिक्स करके, नींबू को अच्छे से मिक्स करके, प्याज को अच्छे से मिक्स करके इसको टेस्ट कर लेंगे। तो देखते हैं मुंबई और कोल्हापुर की पाव भाजी में क्या डिफरेंस रहता है। जो इसमें इन्होंने मसाले डाले हैं, जो इनमें चटनी डाली गई है और जो बटर डाला गया है, सबका जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा है। मेरी शॉप का नाम है विक्रांत पाव भाजी, शॉप नंबर 43, हसबाग मैदान, खाऊ गली, कोल्हापुर।